आजमाइश में जो लोग नाकाम होते हैं उसके असबाब क्या हैं, क्यों लोग फेल हो जाते हैं। जैसे कई सारे लोग कहते हैं मैं फेल हो गया, इम्तिहान में फेल हो गया, तो फेल होने के जो स्कूल के असबाब होते हैं वो अलग होते हैं। अब्बा पूछते हैं बेटा क्यों फेल हुआ, तो कुछ भी झूठ बोलता है। हालांकि फेल होने की वजह जो होती है वो यहाँ कैंटीन में बैठता है वहाँ कैंटीन में बैठता है, यहाँ लड़की बैठ के देखता है वहाँ लड़की बैठ के देखता है, फेल हो गया, पढ़ता ही नहीं तो कहाँ से पास होगा। इम्तिहान में जो दुनिया के अंदर फेल हो रहे हैं आखिरत में फेल हो जाएंगे उनके असबाब क्या हैं। जैसे इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो आखिरत में कुछ लोग फेल होंगे कुछ लोग पास हो जाएंगे। फेल होने के असबाब क्या हैं, क्या असबाब हैं, वो असबाब हम जान लें ताकि उस असबाब की बिना पर अपना हम जायजा लें, बहने भी और हम आप भी जायजा लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सबब हमारे अंदर है, ये बुराई हमारे अंदर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूबियाँ ये जो खराबियाँ बताई गई कि जो लोग नाकाम होते हैं वो खराबी मेरे अंदर पाई जाती है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अल्लाह का मानने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फेल हो रहे हैं। नंबर एक, फेल होने का सबब, आजमाइश में नाकाम होने का सबब बेसब्री और शिकायत। बहुत सारे लोग बेसब्रे होते हैं, सब्र नहीं कर पाते, उनको फौरन चाहिए। जिस तरह कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेच के पैसा फौरन लेता है, वो कहते हैं मैं मांगू फौरन मिलना चाहिए, तो गुनाह करते तो फौरन डंडे भी तो पड़ना चाहिए ना। आप अगर हराम खोरी करते हैं मार फौरन पड़नी चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहिए, सजा नहीं चाहिए फौरन, दुआ जो मांगते फौरन होना चाहिए, अल्लाह ताला बुखार ठीक कर फौरन ठीक होना चाहिए, ये बंदा चाहता। बेसब्रे होते हैं, अल्लाह लड़का दे लड़की लड़की हो रही है, बेसब्रे होते हैं बीवी को मारना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं बेसब्रे, उनको सब्र नहीं होता है कि फौरन मिलना चाहिए, फौरन की उम्मीद में कितने सारे लोग फिसल जाते हैं। बहुत सारे लोग बेसब्रा होने की बिना पर आजमाइश में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला सबब जिसकी बिना पर लोग आजमाइश में नाकाम होते हैं वो क्या है, सब्र का ना होना, बेसब्रा, बेसब्रा बंदा, ऐसा बंदा जिसके अंदर सब्र ना हो, जो दुआ को चाहता बस फौरन मेरे लिए जन्नत बन जाए, फौरन मेरे लिए तमाम चीज़ें हो जाएं, वो सब कुछ यही चाहता है, तो ऐसा बंदा आजमाइश में नाकाम हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खब्बाब बिन आरत रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, मुस्लिम अहमद और बुखारी और अबू दाऊद में कई सारे मकाम पर हदीस है, कहते हैं कान रजुल قبلكم يؤخذ فيحفر له في الارض। आदमी बेसब्रा होता है और वो सोचता है कि फौरन से मिल जाए। एक मरतबा सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में से किसी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल मदद कब आएगी, परेशान तकलीफ हर जगह तकलीफ पे तकलीफ, मदद कब आएगी, कब आएगी मदद। तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुमसे पहले कुछ लोग ऐसे भी गुजरे, रसूल के जुबान से जुमला सुने, तुमसे पहले कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं कि जिनको पकड़ा जाता था, ईमान की बिना पर पकड़ा जाता था, जमीन में घड़ा खोदा जाता था, जमीन में घड़ा खोदने के बाद उनको जमीन के अंदर उनका आधा जिस्म क्या कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। उसके बाद कुछ लोगों को क्या किया जाता था, उनके जिस्म पर आरी चलाई जाती थी, कुछ लोगों के जिस्म को उसके जरिए से एक गोश्त खींचने का एक वो होता है जरिया होता है आला होता है, उनके जिस्म को उस आले के जरिए से पूरा गोश्त निकाल लिया जाता था, सिर्फ हड्डी बाकी रहते थे। ऐसे लोग गुजरे हैं, तुम पर क्या परेशानी है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, माल में क्या परेशानी है तुम्हारे ऊपर, और हम अपने बारे में सोच लें क्या परेशानी आती है मेरे भाई। अक्सर लोग रोना जो रोते हैं वो यही ना कि मेरे पास माल नहीं, उसके अलावा क्या रोना है, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, सिर्फ इतनी बिना पर अल्लाह से शिकायत है, अल्लाह की शिकायत है, इतनी मामूली सी चीज की बिना पर। हमसे पहले लोगों को तो जान से मार दिया गया, किसके बिना पर, ईमान होने की बिना पर, ईमान हो। कितने सारे लोग आज दाढ़ी क्यों नहीं रख रहे हैं, कहीं मेरा नाम टेररिस्ट में ना आ जाए, इतनी सी बात पर, इतनी सी बात पर अल्लाह के खातिर, रसूल के खातिर, अल्लाह का जो हुक्म है, रसूल का जो हुक्म है उसकी मुखालिफत है डर के बिना पर। एक मामूली सा आपका नाम, आप किससे डर रहे हैं, आप अल्लाह से डर रहे हैं या लोगों से डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं, आपके दिल में किसका डर है, किसका खौफ है। अगर अल्लाह का खौफ एक मोमिन के दिल में होगा वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तो उसके जिस्म को लोहे की कंघी के जरिए से उसके जिस्म का गोश्त निकाल लिया जाता था।
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मदद आई और हाल क्या हुआ, वही लोग जो परेशान थे मक्का के अंदर और शुरू में आने के बाद मदीना के अंदर, बाद में कितना अमन अमान हुआ, बहुत ज़्यादा अमन अमान हुआ। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी में कितनी परेशानी थी, मक्का के दौर उठा के आप पढ़ लें, सहाबा की ज़िंदगी, नबी की ज़िंदगी, कितनी तकलीफ़ें थी। तो आदमी जो आजमाइश में नाकाम होता है, उसका सबसे पहला सबब यह है कि वो बेसब्रा बन जाता है। आप बेसब्रे ना बने किसी भी चीज़ के अंदर, अब वो चीज़ें गिनाए जाएंगे तो बहुत बड़ी फहरिस्त हो जाएगी। नंबर दो, लोग फेल क्यों होते हैं, लोग सिर्फ दुनिया चाहते हैं, आखरत नहीं चाहते। ज्यादातर लोगों की चाहत क्या, सब कुछ मुझे दुनिया में मिल जाए, लेकिन मोमिन की चाहत क्या होती है, दुनिया ना मिले आखरत मिल जाए। मैं यहां पर कैसी भी जिंदगी गुजार लूं, तकलीफ में चल जाएगा, आखरत नहीं जानी चाहिए। दुनिया में थोड़ी परेशानी उठाकर बर्दाश्त है, दुनिया में परेशानी बर्दाश्त कर सकते हैं, आखरत में तकलीफ नहीं। जैसे एक सहाबिया आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर रही है, कह रही है ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी की बीमारी, तकलीफ है भाई, बीमारी तकलीफ है ये, अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए आप मेरे लिए कि ये बीमारी मेरी ठीक हो जाए। रसूल ने कहा अगर तू इस पर सब्र कर ले तेरे लिए जन्नत है। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या कहेंगे, नहीं अब भी दुआ होनी चाहिए मेरी बीमारी ठीक हो जाए, अगर तू सब्र कर तेरे लिए जन्नत। सहाबा और सहाबियात का मिजाज देखे, काली कलूटी औरत है, सहाबी कह रहे कि देख वो काली कलूटी औरत जो तवाफ कर रही है ना, रसूल के जुबानी मैंने सुना कि जन्नती है। उसने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, आप मेरे लिए जन्नत की दुआ कीजिए, मैं इस पर सब्र कर लूंगी, मैं अपनी इस बीमारी पर सब्र करूंगी, मुझे जन्नत चाहिए, बस आप मेरे लिए दुआ ना कीजिए, सिर्फ इतनी दुआ कीजिए, आप मेरे लिए मिर्गी ठीक होने की दुआ ना कीजिए बराए मेहरबानी। दुआ किस काम के लिए कीजिए कि मैं जब मिर्गी मुझे आती है तो मेरे जिस्म का कपड़ा उतर जाता है, पर्दे का कितना ख्याल है कि बेहोशी के आलम में जबकि लिखा ही नहीं जाता है, आदमी अगर बेहोश हो तो उसके अमल को नहीं लिखा जाता है बेहोशी के आलम में, लेकिन उस हालत में भी उस साहबिया को ख्याल है, बेपर्दा औरतों को सोचना चाहिए, ख्याल क्या है कि मेरे जिस्म से कपड़ा ना उतरे, मेरा जिस्म कोई देख ना ले, मेरे लिए सिर्फ इतनी दुआ कर दीजिए कि जब मैं बेहोश हूँ तो उस वक्त मेरे जिस्म से कपड़ा ना उतरे, अलग से दुआ कर दी। साहबी कहते हैं या साहबिया बयान करती हैं कि उसके बाद उनके जिस्म से कभी कपड़ा नहीं उतरा, बेहोश तो होती थी, मिर्गी की बीमारी थी, लेकिन जन्नत का सौदा हो चुका है, जन्नत का सौदा कर लिया, तकलीफ बर्दाश्त, थोड़ी दिन तकलीफ है ना, कितना दिन जिएंगे, 60 साल 70 साल, लेकिन इस 60 साल 70 साल की जिंदगी में परेशानी उठा ले, जन्नत आपके लिए यकीनी है। साहबा को ये बात पता थी, हमें समझ में नहीं आती, हम तो चाहते हैं टर्रा के सोए, कोई परेशानी ना आए, कोई परेशानी जिंदगी में आई ही ना, ऐसा नहीं हो सकता है भाई, तकलीफ होती है। आप जब सुबह नमाज के लिए उठते होंगे तकलीफ होती होगी, बहुत सारी बहनों को आई होंगे बयान सुनने, तकलीफ है। आप ये ना सोचे कदम आपका इस सेंटर की तरफ आया, आपने गोया कि जन्नत के अंदर कदम रखा। अल्लाह के रसूल क्या बात, मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन, जन्नत का रास्ता आसान हो रहा है आपके लिए, कदम कदम, मिनट मिनट, घड़ी घड़ी, आपके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो रहा है। जो भी तकलीफें, कई सारे लोग अपने काम को छोड़कर आए होंगे, दिल में तकलीफ होगी अगर ये दुकान पे क्या हो रहा होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन के दिल में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत बैठ जाती है, वो सब तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है। कितने वाकयात सहाबा के, कितने वाकयात सहाबा के मिलते हैं कि उन्होंने उस परेशानी को कहा अल्लाह के रसूल इस परेशानी को हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जन्नत का सौदा नहीं, जन्नत हाथ से नहीं जानी चाहिए, जन्नत जो मिल रही है वो हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आखरत के बजाय जो लोग दुनिया तलबी के अंदर होते हैं कि दुनिया में मिल जाए, वो लोग फेल हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया वमिन अन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किनारे किनारे रह करके अल्लाह की बात करते हैं, किनारे किनारे रह करके नमाजें पढ़ते हैं, जैसे हमने देखे होंगे ना जुमा वगैरह के अंदर कई सारे लोग हमारे भाई होते हैं, बिल्कुल एकदम लास्ट में आएंगे, दो रकात पढ़ के भाग लेंगे, क्या मकसद, नाम लिखवाना चाहते हैं, वो मुकम्मल दीन पर नहीं आना चाहते, मुकम्मल दीन पर नहीं, किनारे किनारे रह करके ट्राई करेंगे, देखेंगे वमिन अन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन फइन असाबहु खैरुन, अगर कुछ फायदा हो रहा है
दोस्ती हो रही है, लोगों से माल मिलाप माल वगैरह मिल रहा है, इत्मान्नबी उनका दिल मुतमईन हो जाता है सुकून से, हाँ मेरा फायदा, जिस नियत को लेकर के आया था वो फायदा हो रहा है। वह इन असाबत हु फितनतुल्कलब अला वजही, लेकिन अगर कोई मुसीबत आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कहीं किसी ने कह दिया कि तू फुला सेंटर में गया था, अच्छा इधर आओ आप, मुसीबत आ गई, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, नहीं भाई मैं ऐसा नहीं करता, सब दाढ़ी वगैरह मुंडा करके, या कहीं कुछ मुसीबत आई, मदरसे से फारिग हुआ था, कहीं जॉब नहीं लग रहा था, किसी जगह गया, अब वहां पर क्या शर्त है, आपको दाढ़ी निकाल कर आना पड़ेगा। कैसा गया गुजरा बेगैरत मुसलमान है कि अपने शर्त एक गैर मुस्लिम से नहीं मनवा सकता है। एक सिख ने अपनी शर्त मनवा ली कि मैं दाढ़ी रख के आऊंगा, आज हर जगह, हर जगह होटल में से लेकर के आपको कौन सी ऐसी जगह, जबकि बाद हमारे भाई कहते हैं होटल में नहीं चलता है, चलता है, वो लोग कैसे मनवा रहे हैं, उन्होंने शर्त लगा दी नहीं चलेगा, हमने खुद कंप्रोमाइज कर लिया कि ठीक है आप हमें सिर्फ पैसे दे, हम ईमान भी बेच देंगे, हम ईमान भी बेचने के लिए तैयार हैं। बाद हमारी बहनें होती हैं, कहीं जॉब उनका लगता है मान लो पढ़ाने के लिए, सिर्फ वहाँ लड़कियाँ हैं, लेकिन शर्त क्या, आपको चेहरा खोल के बैठना पड़ेगा, रिसेप्शन पर बैठी है, आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, अल्लाह अकबर कितनी बुराई का काम हो रहा है। कहते हम पूरा जिस्म ढाक के रखते हैं, सिर्फ चेहरा खोल के रखते हैं, असल बुराई तो चेहरे से शुरू होती है ना, वहीं से शुरुआत होती है, आजमाइश होती है उसके, फेल हो जाते हैं लोग मुकम्मल तौर से। शुरुआत में शैतान क्या करता है, चेहरा खुलवाता है, फिर सर खुलवाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म खुलवा देता है। वल्लाह मेरे भाई आप सिर्फ गौर करें बातों पर, तफसील में जाएंगे तो बातें दूसरी शुरू हो सकती हैं। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किनारे किनारे रह करके दीन पर अमल करते हैं, अगर फायदा होता है तो दीन पर जम जाते हैं, फायदा नहीं होता है तो अपने एड़ियों के बल पलट जाते हैं। खसरत दुनिया वल आखिरा, बर्बाद हैं ऐसे लोग दुनिया में भी और आखिरत में भी। ज़ालिका हुवल खुसरान मुबीन, ऐसे लोग कुल्लम कुल्ला खसारे में हैं। कौन लोग, जो किनारे रह करके ट्राई करते हैं, अमल करके देखेंगे अच्छा लगेगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे, जो दिली तौर पर नहीं करते हैं सिर्फ वक्ती तौर पर करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बर्बादी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तईसाब्दु दिनार व तईसाब्दु दिरहम, हलाकत है दिनार वाले के लिए और हलाकत है दिरहम वाले के लिए। क्यों, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, वजह यह है कि इन उतिया और रदिया, अगर दिया जाता तो बहुत खुश रहता, हाँ मेरे माल में फायदा हो रहा है, वह इन लम युता लम यगदा, और अगर उसको नहीं दिया जाता है नाराज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी जिंदगी देता रहता है, पूरी जिंदगी देता रहता है, बहुत खुश, एक बार अल्लाह ने नहीं दिया नाराज हो जाता है, अल्लाह के बारे में शिकायत करना शुरू कर देता है, अल्लाह ने इतनी सारी नियामतें दी हैं उन नियामतों को बुला करके सिर्फ एक बार नहीं मिला शिकायत कर देता है। जैसे औरतें इसमें ज्यादा मशहूर हैं, आप हजरात जानते हैं जो शादीशुदा है कि पूरी जिंदगी आदमी अपनी बीवी की बीवी को पैसे फराहम करते रहता है या जो भी जरूरत की चीजें, एक बार कभी आइसक्रीम लेकर आए, मैं जब से घर में आया जब से परेशान ही हूँ, कोई चीज़ मुझे नहीं मिली, एक अल्फाज की बिना पर पूरी जिंदगी का क्या कराया पानी में मिल जाता है, ना शुक्री नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत औरत की ना शुक्री पर उसे जहन्नम में दाखिल कर सकता है, और अल्लाह की ना शुक्री है तो अल्लाह क्यों नहीं दाखिल कर सकता है, पॉइंट समझें आप। एक औरत अपने शोहर की ना शुक्री करे तो अल्लाह के रसूल ने कहा है वो जहन्नम में जाएगी, और बंदा अगर रब की ना शुक्री करे, रब की ना शुक्री करे, रब से नाराज हो जाए ना मिलने की बिना पर, तो अल्लाह उसको बदरजे वाला जहन्नम में दाखिल करेगा, कर सकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह हक है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ना इंसाफी नहीं करेगा।